कुछ ने कहा कि ये भारत के ही थे, कुछ ने कहा ये यूरोप से आए, कुछ ने कहा कि ये रूस से आए। आर्यों को लेकर बड़ा ही प्रसिद्ध मत बाल गंगाधर तिलक ने भी दिया है। सबसे पहले तिलक ही थे जिन्होंने आर्यों का आदि स्थान उत्तरी ध्रुव माना। जैसे हिंदी में माँ को माँ कहते हैं, संस्कृत में मातृ कहते हैं और लैटिन भाषा में मातेर कहा जाता है। रही बात भूरे बालों की, तो पतंजलि ने भारतीय ब्राह्मणों को भी भूरे बालों वाला बताया है। लेकिन अब चूंकि तकनीकी काफी अधिक बढ़ चुकी है, वैसे में डीएनए के आधार पर भी कुछ निष्कर्ष बाहर आए हैं। साल 2019 में ये रिपोर्ट विश्व प्रसिद्ध जर्नल सेल में छपी, तो हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को लेकर बड़ा बवाल मचा। ये तो सच है कि हड़प्पा की महिला का डीएनए वही है जो आज के लगभग सभी भारतीयों में, लेकिन सभी भारतीयों में एक और डीएनए पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में वैदिक काल आता है, जिसकी अधिकतर जानकारी उस वक्त के साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में जिन आर्यों का जिक्र किया गया है, सामान्यतः माना जाता है कि उन्हीं ने ही सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का विनाश किया था। इस थ्योरी को आर्यन इन्वेजन यानी कि आर्य आक्रमण की थ्योरी कहा जाता है। हालांकि इसे लेकर भी विद्वानों में अलग अलग मत हैं, कोई इस थ्योरी के सपोर्ट में तर्क देता है तो कोई इसके विरोध में। लेकिन मुख्य सवाल यहाँ यह उठता है कि ये आर्य कौन थे, कहाँ से आए, जिनका उल्लेख स्वयं ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में आर्यों के मुखिया इंद्र देवता को दास और दस्युओं का विनाश करने वाला माना जाता है। ऋग्वेद में दास दस्युओं के उनके पुरों का यानी कि किलों का भी जिक्र मिलता है। इन पुरों को ध्वस्त करने के कारण ही ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इन पुरों का जिक्र जिस तरह से किया गया है, उससे लगता है कि ये हड़प्पा के शहर और किले थे। इस तरह माना जाता है कि आर्यों ने ही हड़प्पा सभ्यता के शहरों का विनाश किया था। राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में कुछ लोगों के द्वारा ये भी माना जाता है कि जो आर्य थे वे ब्राह्मण थे और आज की कथित ऊंची जातियां थीं, वहीं ऋग्वेद में जिन दास और दस्युओं का जिक्र है, जिनका आर्यों से संघर्ष चला, वे आज के दलित और आदिवासी समुदाय के लोग हैं। वैसे में इस सवाल का उठना स्वाभाविक है कि आखिर आर्य थे कौन, क्या वे भारतीय ही थे, क्या वे बाहर से आए थे, आखिर इनका मूल निवास स्थान क्या है, आर्य किस भूमि के निवासी थे, ये एक अत्यंत विवादास्पद प्रश्न है। कुछ ने कहा कि ये भारत के ही थे, कुछ ने कहा ये यूरोप से आए, कुछ ने कहा कि ये रूस से आए। आज इन्हीं सब तर्कों और प्रश्नों की पड़ताल करेंगे। पहले उन विद्वानों की बात करते हैं जो कहते हैं कि आर्य भारत के ही निवासी थे और यहीं से वे विश्व के अन्य भागों में गए। पंडित गंगानाथ जहां इन्हें ब्रह्मर्षि देश यानी कि उत्तर भारत का निवासी बताते हैं, वहीं डीएस त्रिवेदी इन्हें मुल्तान का रहने वाला बताते हैं और एलडी कल कश्मीर और हिमालयी क्षेत्रों को आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं। लेकिन इसके विरोध में सबसे बड़ा तर्क यह है कि अगर आर्य भारत के ही निवासी थे तो वे सबसे पहले तो अपने ही देश का आर्यीकरण करते, लेकिन सच यह है कि समस्त दक्षिण भारत के लोग तो आज भी आर्यभाषी नहीं हैं, उनकी अपनी संस्कृति और भाषा है। भारत का एक बड़ा हिस्सा तब और आज भी आर्य संस्कृति से भिन्न है। वैसे में ये बात उतनी पचती नहीं कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत ही था और बाद में विदेशों में जाकर वो फैल गए। आर्यों के भारत से होने के तर्क के इतर ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान विदेशों में था। इसे लेकर भी विद्वानों में अलग अलग मत हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वे एशिया से आए, कुछ का कहना है कि ये यूरोप के रहने वाले थे, जैसे कि मैक्स मूलर मानते हैं कि आर्यों का आदि देश मध्य एशिया था। वहीं एडवर्ड मेयर मानते हैं कि आर्य पामीर के पठार के रहने वाले थे। एडवर्ड मेयर का कहना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान पामीर का पठार था, जहां से वे पूर्व की तरफ पंजाब की ओर गए और पश्चिम की तरफ वे मेसोपोटामिया की तरफ गए। कई विद्वानों जैसे कि कीथ और उल्डन वर्ग ने भी इस मत का समर्थन किया है। वहीं आर्यों को लेकर बड़ा ही प्रसिद्ध मत बाल गंगाधर तिलक ने भी दिया है। सबसे पहले तिलक ही थे जिन्होंने आर्यों का आदि स्थान उत्तरी ध्रुव माना। तिलक का कहना है कि ऋग्वेद के एक सूक्त के अंतर्गत दीर्घकालीन उषा की स्तुति मिलती है, यानी कि लंबे समय तक रहने वाली सुबह की पूजा का जिक्र मिलता है। दीर्घकालीन उषा और दीर्घकालीन रात्रि यानी सिर्फ उत्तरी ध्रुव पर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वहीं 6-6 महीने के दिन और 6-6 महीने के रात होते हैं। तिलक के अनुसार महाभारत में सुमेरु पर्वत का जिक्र मिलता है जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तिलक का कहना है कि इससे ये पता चलता है कि आर्य मूलतः उत्तरी ध्रुव के रहने ही वाले थे, इसी कारण उनके दिमाग में अपनी जन्मभूमि की याद बनी हुई थी। लेकिन चूंकि तिलक ने अपने मत का आधार सिर्फ ऋग्वेद और महाभारत के साहित्यिक आधारों को बनाया, इसलिए इस मत को भी बहुत से लोगों के द्वारा नकारा जाता है। दूसरी बात, अगर ऋग्वेद के आर्य उत्तरी ध्रुव से आए होते
तो वे इसका स्पष्ट जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन ऋग्वेद में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि वे उत्तरी ध्रुव से आए थे, जबकि उन्होंने उत्तर भारत की नदियों जैसे कि सरस्वती, गंगा, यमुना और हिमालय का जिक्र बहुत बार किया है। इसके अलावा आर्यों ने गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, सिंधु नदी, नर्मदा के सम्मिलित क्षेत्र यानी कि सप्त सैंधव प्रदेश को ऋग्वेद में देवताओं द्वारा निर्मित भूमि माना है। तब बाकी विद्वानों का कहना है कि अगर उत्तरी ध्रुव ही आर्यों का मूल निवास स्थान होता तो वे ऋग्वेद में कहीं ना कहीं तो इसका जिक्र करते, इसलिए बहुत से विद्वान बाल गंगाधर तिलक के मत को खारिज करते हैं। कुछ विद्वान यूरोप के देशों जैसे कि जर्मनी, हंगरी और दक्षिणी रूस का आर्यों का मूल स्थान बताते हैं। जैसे पेनका और हर्ट जैसे विद्वान मानते हैं कि आर्यों का मूल स्थान जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी में स्थित स्कैंडिनेविया नामक स्थान पर कभी भी किसी विदेशी शासक ने राज नहीं किया, यहाँ के लोग कभी भी किसी विदेशी शासक के गुलाम नहीं रहे, बावजूद इसके वे भारूपीय भाषा बोलते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भारूपीय भाषा का मूल स्थान यही था। अब सबसे पहले यहाँ भारूपीय भाषा को समझना जरूरी है। दरअसल यूरोप और भारत की कई भाषाओं में आपसी में काफ़ी साम्यता है, जैसे रोज़मर्रा की चीज़ों, सगे संबंधियों के नाम, सामान्य जानवरों के नाम, क्रियाओं के नाम और काम आने वाली वस्तुओं के नाम, ये सब इन भाषाओं में आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे हिंदी में माँ को माँ कहते हैं, संस्कृत में मात्र कहते हैं और लैटिन भाषा में मातेर कहा जाता है और प्राचीन यूनानी में माँ को मेतेर कहा जाता है। आधुनिक जर्मन भाषा में माँ को मुटर कहा जाता है और अंग्रेजी में माँ को मदर कहा जाता है। ऐसे ही हिंदी में मन कहा जाता है और उसे संस्कृत में मनस कहा जाता है। वहीं लैटिन भाषा में मन को मेंस कहा जाता है, वहीं प्राचीन यूनानी में मन को मैनोस बोला जाता है। ऐसे ही जर्मनी में इसे मिन कहा जाता है और अंग्रेजी में माइंड कहा जाता है। कुल मिलाकर ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जो भारतीय भाषाओं जैसे कि संस्कृत, हिंदी और यूरोप की कई भाषाओं में आपस में मिलते हैं। सिर्फ शब्द ही नहीं मिलते बल्कि वाक्य विन्यास, नाउन, प्रोनाउन सब काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसलिए इन भारतीय और यूरोपीय भाषाओं को मिलाकर ही हिंद यूरोपीय या भारूपीय भाषा का प्रवाह कहा जाता है। चूंकि ऋग्वेद की संस्कृत और यूरोप की भाषाओं के शब्द आपस में एक जैसे मिलते हैं, इसी आधार पर माना जाता है कि संभवतः ऋग्वेद वाले आर्य यूरोप से ही आए थे, यूरोप ही उनका मूल निवास स्थान था। इसके अलावा यूरोप में ही आर्यों के मूल स्थान होने के कारण मानने के पीछे कई और कारण भी दिए जाते हैं, जैसे बाल्टिक सागर के तट से ऐसी पुरानी वस्तुएं पाई गई हैं जो भारत में भी पाई गई हैं, इन्हें भारूपीय कृतियां कहा जाता है। आर्यों की शारीरिक विशेषता जैसे कि भूरे बाल पाए जाना, आज भी जर्मनी के लोग भूरे बालों में के पाए जाते हैं, इसलिए जर्मनी को आर्यों का मूल स्थान माना जाता है। लेकिन इसके विरोध में भी कई तथ्य दिए जाते हैं। इस थ्योरी को भी कई लोगों के द्वारा ये कहकर नकारा गया कि केवल भाषाई साम्यता के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि किसका मूल स्थान कहाँ है, और जो उपकरण जर्मनी में पाए गए हैं उससे भी अधिक पुराने उपकरण अन्य स्थानों पर भी पाए गए हैं। रही बात भूरे बालों की, तो पतंजलि ने भारतीय ब्राह्मणों को भी भूरे बालों वाला बताया है। अगर इसे ही आधार बनाया जाए तो भारत को भी तो आर्यों का मूल भूमि माना जा सकता है। इसी तरह यूरोप, मध्य एशिया और भारत के अलावा कुछ विद्वानों का कहना है कि आर्य दक्षिणी रूस के रहने वाले थे। इन विद्वानों में मेयर, पीक और गार्डन चाइल्ड शामिल हैं। दरअसल दक्षिणी रूस की खुदाई से भी ऐसी संस्कृति के अवशेष मिले हैं जो आर्यों की संस्कृति से मेल खाती हैं। यहाँ की खुदाई से घोड़ों के अवशेष मिले हैं जो कि ऋग्वेद में उल्लेखित आर्यों का पसंदीदा पशु हुआ करता था। पिघट के अनुसार आर्य दक्षिणी रूस के विस्तृत प्रदेश में निवास करते थे। भारूपीय और मध्य रूस की भाषा में भी साम्यता मिलती है। इन सब तर्कों को जानने के बाद एक तरह से देखा जाए तो आर्यों को विदेशी मूल का मानने के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है वो भाषा ही है, लेकिन इसी कारण इसे एक मजबूत तर्क नहीं माना जाता कि ये केवल भाषा की ही साम्यता के आधार पर कहा जा रहा है। दूसरी बात कि आर्यों की मुख्य जानकारी हमें ऋग्वेद और अन्य वैदिक साहित्यों से मिलती है, लेकिन ऋग्वेद और अन्य वेदों में किसी से भी ये साबित नहीं किया जा सकता कि आर्य आक्रांता के रूप में बाहर से आए थे। केवल भाषाई साम्यता को एक प्रमाण के रूप में इसलिए भी नकारा जाता है क्योंकि भाषा एक सांस्कृतिक इकाई है जिसका किसी प्रजाति या जाति से कोई विशेष संबंध हो ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी बात, खुद हड़प्पा सभ्यता की ही जाए तो ये भी खुद केवल पाकिस्तान और भारत के उत्तरी भाग तक ही सीमित है, खुद इसके दक्षिण भारत में इसके प्रमाण नहीं मिलते। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य कोई विदेशी आक्रांता नहीं थे, लेकिन अब तक जो बातें बाहर आईं वे भाषा के आधार पर थीं, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर थीं जैसे कि सिक्के, मन के मकान आदि, और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर थीं जैसे कि ऋग्वेद के आधार पर। लेकिन अब चूंकि तकनीकी काफ़ी अधिक बढ़ चुकी है, वैसे में डीएनए के आधार पर भी कुछ निष्कर्ष बाहर आए हैं।
वैज्ञानिक वर्षों से कोशिश कर रहे हैं कि हड़प्पा वासियों के डीएनए और वर्तमान के लोगों के डीएनए के आधार पर इतिहास की इन गुत्थियों को सुलझाया जाए, लेकिन हड़प्पा वासियों के शरीर के अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के कारण इतने अधिक गल चुके हैं कि इनमें डीएनए नहीं मिला। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के एक शहर राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में मौजूद है, वहाँ एक महिला के अवशेषों में से, खासकर उसके कान के एक हिस्से से पर्याप्त डीएनए मिल सका, जिससे उसकी जांच की जा सके। वैज्ञानिकों ने इस डीएनए की जांच की, इसे लीड कर रहे थे डेक्कन कॉलेज के वसंत सिंधे। जब साल 2019 में ये रिपोर्ट विश्व प्रसिद्ध जर्नल सेल में छपी, तो हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को लेकर बड़ा बवाल मचा। सबने इस रिपोर्ट को अपने अपने इतिहास से व्याख्यायित किया। दक्षिण पंथ और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े लोगों और मुख्यधारा की मीडिया ने इस खबर को इस तरह से छापा कि इस रिपोर्ट ने आर्य आक्रमण की थ्योरी को गलत बताया है। वहीं कुछ लोगों ने इसे ऐसे कहा कि मुख्यधारा की मीडिया ने इसे गलत तरीके से छापा है, ये रिपोर्ट आर्य आक्रमण की बात पर कुछ नहीं कहती, बल्कि कुछ तो इसमें ऐसी बातें हैं जो ये कहती हैं कि आर्य बाहर से आए। इस रिपोर्ट पर अभी आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ही मार्च 2018 में द जेनोमिक फॉर्मेशन ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया नाम की एक रिसर्च पब्लिश हुई। इसने भी भारत और विश्व के अन्य देशों में सनसनी फैला दी। इस रिसर्च पेपर को विश्व के करीब 92 वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया। इन्होंने ईरान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान जैसे कई दक्षिण एशियाई देशों के प्राचीन काल के 362 अवशेषों का जीनोम वाइड डेटा तैयार किया। इस रिसर्च में इन वैज्ञानिकों ने दावा किया कि साल 2000 ईसा पूर्व से लेकर साल 1000 ईसा पूर्व के बीच में सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया से भारत में भारी मात्रा में माइग्रेशन हुआ, जो भारत में इंडो यूरोपियन भाषा यानी कि भारतीय भाषा को लेकर आए, यानी कि संस्कृत को लेकर आए। इस रिसर्च पेपर ने भारत में आर्यों के आने की बात का समर्थन किया। वैज्ञानिकों के इस समूह को हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वागीश नरसिंगन लीड कर रहे थे। इसमें कई अन्य भारतीय भी थे, जैसे सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुमार स्वामी थंगराज और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के नीरज राय, डेक्कन कॉलेज के वसंत सिंधे। ये स्टडी काफ़ी चर्चित रही, लेकिन इस स्टडी के विरोध में भी कई तर्क दिए गए। सबसे बड़ा तर्क इस स्टडी के विरोध में ये था कि इसे बाकी लोगों के द्वारा रिव्यू नहीं कराया गया, मतलब पीयर रिव्यू नहीं कराया गया, सीधे पब्लिश करा दिया गया। इसलिए जब तक ये एक साइंटिफिक जर्नल में बाकी लोगों के द्वारा रिव्यू करने के बाद प्रकाशित हो, तब तक फाइनल कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन सितंबर 2019 में यह रिसर्च पेपर मोस्ट रेपुटेटेड जर्नल में से एक साइंस में पीयर रिव्यू के साथ प्रकाशित कर दी गई। अब इस रिसर्च में 117 वैज्ञानिक शामिल हैं, जो कि पहले 92 वैज्ञानिक थे। अब इसे द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन साउथ एंड सेंट्रल एशिया नाम से प्रकाशित किया गया, लेकिन पिछले के मुकाबले इसने अधिक तथ्यों के साथ वही पुरानी बात दोहराई कि मध्य एशिया से भारत में भारी मात्रा में माइग्रेशन हुआ था। पहली रिपोर्ट में ये बात 392 पुराने मानवीय अवशेषों के जीनोम वाइड डेटा के आधार पर बताई गई थी। अब की बार इसे बढ़ाकर 523 मानवीय अवशेषों के आधार पर कही गई। अब वापस राखीगढ़ी की उस महिला के डीएनए पर छपी रिपोर्ट पर वापस लौटते हैं, जो सेल नाम की विश्व प्रसिद्ध जर्नल में छपी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि राखीगढ़ी से जिस महिला के अवशेष का डीएनए किया गया, उसका डीएनए और आज के भारतीयों का डीएनए एक ही है, और सिर्फ भारतीयों का ही नहीं बल्कि लगभग सभी साउथ एशियन लोगों का डीएनए हड़प्पा की राखीगढ़ी की उस महिला से मिलता है। सेल जर्नल में छपी इस रिपोर्ट में कहा गया कि पहले जैसा कहा जाता था कि हड़प्पा में खेती की शुरुआत ईरान और मध्य एशिया से आए प्रवासियों ने की, ऐसा कहना गलत है, बल्कि हड़प्पा में खुद खेती का जन्म हुआ, ना कि प्रवासियों के कारण। सेल रिपोर्ट की व्याख्या इसे लीड करने वाली डेक्कन कॉलेज के बसंत सिंधे ने ऐसे की कि आर्यों का भारी संख्या में माइग्रेशन नहीं हुआ, ना ही माइग्रेशन के कारण हड़प्पा में खेती का जन्म हुआ, बल्कि वह यहाँ पर खुद विकसित हुई। इस तरह बसंत सिंधे ने मास माइग्रेशन के उस दावे को, जिसे कि साइंस जर्नल में दावा किया गया था कि साल 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में मध्य एशिया से भारत में भारी स्तर पर माइग्रेशन हुआ था, उस दावे को बसंत सिंधे ने नकार दिया। जबकि बसंत सिंधे खुद भी इस साइंस जर्नल वाली रिपोर्ट में सहलेखक थे और सेल वाली रिपोर्ट में, जो कि राखीगढ़ी वाली थी, उसमें भी सहलेखक थे। राखीगढ़ी की महिला के डीएनए को लेकर सेल जर्नल में छपी रिपोर्ट को एक वर्ग ने इस तरह पेश किया कि सभी भारतीयों में हड़प्पा सभ्यता का ही डीएनए है, और इस तरह से आर्य आक्रमण और आर्यों के प्रवास की थ्योरी को नकारती है। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स अखबार ने खबर छापी कि राखीगढ़ी डीएनए
स्टडी क्वेश्चंस आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्लेम्स ऑथर। इसमें इकोनॉमिक टाइम्स ने सेल जर्नल और साइंस जर्नल दोनों रिपोर्टों में सहलेखक रहे प्रोफेसर बसंत शिंदे के बयान को छापा, जिसमें वे कहते हैं कि सेल का रिसर्च पेपर ये बताता है कि कोई भी आर्य आक्रमण नहीं हुआ, न आर्यों का बाहर से कोई माइग्रेशन हुआ। ये बात बसंत शिंदे कह रहे हैं, जो कि साइंस और सेल दोनों के जो राइटर थे। दरअसल सेल जर्नल में छपी इस रिपोर्ट को दर्जनों भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया, जिसका नाम था एन एंशियंट हरप्पन जीनोम लेक्स एंसेस्ट्री फ्रॉम पेस्टोरेलिस्ट एंड ईरानियन फार्मर्स। इस रिसर्च पेपर को बसंत शिंदे के अलावा दक्कन कॉलेज के वगीज नरसिंगम और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डेविड रिच और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के नीरज राय ने लिखा। इत्तेफाक से ये सभी साइंस जर्नल की उस रिपोर्ट के भी मुख्य लेखकों में से एक थे जो मास माइग्रेशन की बात कहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों ही रिपोर्टों यानी कि सेल वाली रिपोर्ट यानी कि राखी गढ़ी वाली रिपोर्ट और एक साइंस जर्नल वाली रिपोर्ट दोनों में ही लेखक कॉमन थे, तो ये कॉन्क्लूजन ऐसे अलग क्यों आ रहे हैं? दरअसल इन रिपोर्टों में जो बात कही गई है उन्हें लेकर रिपोर्टों में जो निकला है और उसे लेकर अलग अलग सह लेखकों के अलग अलग मत हैं। बसंत शिंदे और नीरज राय कुछ कहते हैं और बाकी लेखक कुछ और कहते हैं। आपस में लेखकों में ही जिन्होंने रिपोर्ट को तैयार किया उनके ही जो ओपिनियंस हैं उनमें ही भारी अंतर है। डेक्कन कॉलेज के बसंत शिंदे ने राखीगढ़ी की महिला के डीएनए के आधार पर कहा कि आर्य आक्रमण नहीं हुआ और आर्यों ने प्रवास नहीं किया, वे यहीं के थे और हड़प्पा के बाद ऋग्वेदिक काल में भी एक कंटिन्यूटी बनी हुई थी। लगभग यही बात बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के नीरज राय ने कही कि आर्य आक्रमण नहीं हुआ, जो कि इन दोनों रिपोर्ट के सहलेखक थे। लेकिन इन दोनों बयानों के खिलाफ दो सबसे बड़े तर्क जाते हैं। एक ये कि सेल और साइंस जर्नल दोनों रिपोर्टों में ये बात कही गई कि इंडो यूरोपीय यानी कि भारूपीय भाषा का आगमन प्रवासियों के द्वारा ही हुआ। दूसरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राखीगढ़ी की महिला के जिस डीएनए पर ये कहा जा रहा है कि उसका डीएनए और आज के सभी भारतीयों का डीएनए लगभग सेम है, वो बात तो सही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस रिपोर्ट का टाइटल उठाता है। सेल जर्नल में छपी इस रिपोर्ट का टाइटल है एन एंशियंट हरप्पन जीनोम लेक्स एंसेस्ट्री फ्रॉम स्टेपी पेस्टोरेलिस्ट्स और ईरानियन फार्मर्स। अब इसे हिंदी में बताता हूँ, ये तो सच है कि हड़प्पा की महिला का डीएनए वही है जो आज के लगभग सभी भारतीयों में, लेकिन सभी भारतीयों में एक और डीएनए पाया जाता है, वो है स्टेपी पेस्टोरेलिस्ट का डीएनए यानी कि मध्य एशिया और यूरोप के प्राचीन चरवाहों का डीएनए। इनका डीएनए सभी भारतीयों में कुछ कुछ मात्रा में मिलता है, किसी में 10% मिलता है तो किसी में 25% तक मिलता है। इसे मोटा माटी आर्यन डीएनए भी कहते हैं, लेकिन ये डीएनए राखीगढ़ी की उस महिला में नहीं पाया गया जिसका डीएनए निकाला गया। इसका मतलब ये है कि भारतीयों में ये डीएनए हड़प्पा के पतन के बाद हुए माइग्रेशन के बाद आया, यानी आर्यन डीएनए हड़प्पा के पतन के बाद भारतीयों में आया, क्योंकि उस महिला में तो ये पाया ही नहीं गया। एक तरह से ये बात हड़प्पा के पतन के बाद आर्यों के प्रवास वाले दावे को मजबूत करती है। ऊपर से दोनों ही रिपोर्ट स्पष्ट करती हैं कि भारूपीय भाषा जिसमें कि संस्कृत भी शामिल है उसे लाने वाले स्टेपी प्रवासी थे, चरवाहे थे, लेकिन ये दोनों ही रिपोर्ट ये कहीं नहीं कहती कि जो प्रवासी आए थे वे आक्रमणकारी थे। इन दोनों स्टडी में सह लेखक रहे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के नीरज राय ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए बयान में कहा है कि नर कंकालों के शरीर पर किसी प्रकार के कटने के निशान नहीं मिले, मतलब कि नीरज राय ने आक्रमण या लड़ाई की बात को खारिज किया है। नीरज ने यह भी कहा है कि हड़प्पा संस्कृति और बाद की ऋग्वेदिक संस्कृति में लगातार एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। इसी बात का दावा बसंत शिंदे ने भी कहा है कि दोनों संस्कृतियों में एक कंटिन्यूटी है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि आर्य बाहर से नहीं आए बल्कि वे यहीं से आए थे। एक तरह से कुल मिलाकर दोनों ही स्टडी के बाद हुई व्याख्याओं ने इस पूरे मामले को एक अंतहीन डिबेट के बीच अभी छोड़ दिया है, जहां एक दावा यह है कि आर्य प्रवासी के रूप में बाहर से आए और भारत की संस्कृति को बदल कर रख दिया, एक दावा यह है कि नहीं वे यहीं के थे और हड़प्पा और बाद की ऋग्वेदिक संस्कृति के बीच में एक कंटिन्यूटी है। दूसरी बात कि आर्यों ने आक्रमण किया यह सिर्फ सामान्य प्रवास होता रहा, ये भी एक ऐसी डिबेट है जो अभी तक एक स्पष्ट निर्णय पर नहीं पहुंची है। दोनों ही प्रकार के दावे करने वाले अपने अपने हिसाब से रिपोर्टों की व्याख्या करते हैं। चूंकि सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के एक शहर राखीगढ़ी में उसमें भी सिर्फ एक महिला के डीएनए की ही जांच हो सकी है, इसलिए आर्य या बाहरी बनाम स्वदेशी की बहस अभी आगे और जारी रहेगी।
चूंकि अभी बड़े स्तर पर डीएनए होने बाकी हैं, बहुत सारे सबूत आगे आने बाकी हैं ताकि एक स्पष्ट तस्वीर बन सके। लेकिन दो चीज़ जो इन डिबेट से बाहर आई वो ये कि राखी गढ़ी की महिला का डीएनए आज भी हर भारतीय में बना हुआ है, वे चाहे दक्षिण से हों चाहे उत्तर भारत से हों, और सभी भारतीयों का डीएनए अलग अलग समय के बाहरी प्रवासियों से मिश्रित है, चाहे कम स्तर पर है चाहे ज़्यादा स्तर पर। कोई भी जाति समुदाय धर्म के लोग ये दावा नहीं कर सकते कि वे ही खास प्योर डीएनए के प्रतिनिधि हैं, सब में अलग अलग डीएनए के म्यूटेशन शामिल हैं। कोई भी जाति समुदाय ये दावा नहीं कर सकता कि वे ही असली हैं और बाकी नकली, सिवाय अंडमान निकोबार के उन आदिवासियों को छोड़कर जिनका बाकी समाज के लोगों से कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। जिस तरह सभी भारतीयों में मिश्रित डीएनए की बात निकलकर आती है, तब राहत इंदौरी साहब का वो शेर याद आता है जिसमें वे कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहरहाल ये वीडियो इस विषय पर थी कि क्या आर्य बाहर से आए थे या यहीं के रहने वाले थे। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो इस विषय पर डाली कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, क्या हड़प्पा सभ्यता आर्यों के आक्रमण की वजह से खत्म हुई या कुछ और कारण थे। उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मेरे मेहनताने के रूप में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये भी बताइए कि आर्य बाहरी थे या स्वदेशी थे, इसे लेकर आपका क्या मत है।